हेलो बच्चों, तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? कैसे हैं आप लोग? तो एक बार स्टार्ट कर रहे हैं जेई 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है, बोनस या ऑप्शन मैचिंग। अब देखो, हम टीचर्स हैं, हमारा काम यह है ना कि जो सही है उसे रखना, ये नहीं कि हम जीते या आप जीते, ये बिल्कुल नई चीज़ है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो जो मेरे समझ में आया, और बाकी सारे टीचरों को या मैक्सिमम टीचरों को जो समझ में आया या कुछ को जो समझ में आया, मैं उसको रख रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस का पेपर 2 का, ये क्वेश्चन सीए है जिसके ऑप्शंस थे। अब बच्चों, अगर आपने इसका आंसर मार्क किया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर आपने क्या मार्क किया है। आई थिंक इसका आंसर ए आता है, ए आपने मार्क किया होगा। अगर किया होगा मार्क तो आप बताइएगा, अदरवाइज आपने ऑप्शन बताइएगा। और वो भी बताइएगा कि अगर किसी बच्चे ने इसको सही तरीके सॉल्व करने की कोशिश किया और उससे गलती हो गई तो उन्होंने आंसर मार्क किया कि छोड़ दिया। छोड़ दिया तो अगर आपको आपने इसको छोड़ दिया तो यू कैन चैलेंज इट, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं छोड़ा और आपने मार्क कर दिया तो ठीक है, एक बार ऑप्शन ए पे मैं कैलकुलेट करके देखूँ कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस पे आता है, ये क्वेश्चन है इरडो प्रॉब्लम नंबर 3.253। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपने इरडो के प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन है। हाँ, मिस्टेक इरडो में है और मिस्टेक उनमें भी है, दोनों जगह मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब ऐसा नहीं कि मिस्टेक इरडो के अंदर नहीं होती, क्यों नहीं हो सकती है, मिस्टेक रोडो से भी हो सकती है। ठीक है, ये गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो जेई वालों ने भी गलती कर दी कॉपी पेस्ट करने में, कॉपी पेस्ट करने में गलती नहीं की थी, उन्होंने गलत को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। कह रहा है कि थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंट इनटू द सर्कुलर लूप विथ इट्स टू एंड एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ द लूप। द वायर लूप हैज मास एम, इस लूप का मास एम है, रेडियस आर है, इट इज़ यूनिफॉर्मली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, वर्टिकल फील्ड बी नॉट है इन द फिगर। इनिशियली इट हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन टू कंडक्टिंग सपोर्ट पी एंड क्यू। वेन द करेंट आई इज पासिंग थ्रू द लूप टर्न अबाउट द लाइन पी क्यू बाई एंगल थीटा इज। इसमें उन्होंने भी अब लिख दिया थीटा एंगल टर्न किया, तो बताइए थीटा और इन सब में क्या रिलेशन। और ये क्वेश्चन बढ़िया, अ कॉपर वायर विद द क्रॉस सेक्शन एरिया एस, ये कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, बेंड टू मेक अ थ्री साइड ऑफ द स्क्वायर कैन टर्न अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओ एस। द वायर इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड बी, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इफ पासिंग थ्रू करेंट आई थ्रू द वायर, द लैटर डिफ्लेक्ट बाई एंगल थीटा। अब जब जेई ने इरडो ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो इसके टॉर्क को जीरो करके दिया है, मतलब इस एक्सिस को टॉर्क जीरो कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। और यहाँ पे भी जो आंसर आया वो टॉर्क जीरो करके आया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा क्या कि जब इसमें करंट पास करा गया तो ये एंगल थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, और इन्होंने यहाँ पर भी कहा कि वो एंगल थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, और दोनों ने टॉर्क को बैलेंस किया, जीरो किया दोनों से आंसर। टॉर्क जीरो करोगे यहाँ पे तो इरडो वाला आंसर मैच कर जाएगा, और वहां पे टॉर्क जीरो करोगे तो आपको आईटी वाला आंसर मैच कर जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा मोबाइल सपोज करो लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एम क्रॉस बी, एम इधर है तो एम क्रॉस बी, तो मेरा फिंगर ऐसे घूम रहा तो लूप ऐसे रोटेट करेगा। जब ऐसे रोटेट करेगा तो इनिशियली इस पोजीशन पे है, जैसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगा, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से जो ऊपर जाएगा, तो तब तक इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी जब तक कि मैग्नेटिक टॉर्क एमजी के टॉर्क से ज़्यादा रहेगा। लेकिन जिस वक्त मैग्नेटिक टॉर्क एमजी के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो एमजी का टॉर्क बढ़ेगा, तो फिर ये घटने लगेगा। तो ये जो एंगल रोटेट करेगा वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उससे ज़्यादा एंगल रोटेट करेगा, और सॉल्व करने के बाद जो आता है वो डबल आता है, इसको सॉल्व करते हो डबल आता है। ठीक है,
ये कह रहा है कि नहीं, ये थीटा ही एंगल पे रहा, रोटेट किया, थीटा ही एंगल तक रोटेट किया जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनको अपना आंसर मैच ही करवाना था तो उनको बोलना चाहिए था कि द लूप टर्न अबाउट द लाइन पी क्यू बाई एंगल थीटा टिल इक्विलिब्रियम, टिल इक्विलिब्रियम, उनको ये वर्ड यूज करना चाहिए था, इक्विलिब्रियम, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, तब फिर आपका आंसर मैच कर जाता। ठीक है, अब वही चीज इसमें भी था कि द वायर लेटर डिफ्लेक्ट बाई ए एंगल थीटा टिल इक्विलिब्रियम, द बेस्ट वर्ड इज दिस वन, ऐसा लिखो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अब इस लेटर का मतलब आप ये निकाल लो कि नहीं, वो इक्विलिब्रियम तक ही डिफ्लेक्ट हुआ, नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन क्लियर रखो ना, आप एक बच्चे से क्या चाहते हो कि उसका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, ये देखना चाहते हो, ये थोड़ी देखना चाहते हो कि हम आंसर देखें फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करें। आपने इसके अंदर तो हमें क्या कर दिया, बाध्य कर दिया कि पहले आंसर देखो, पहले तुम सॉल्व करो अपने तरीके से, क्योंकि हमारे दिमाग में तो आएगा नहीं क्वेश्चन देख के कि नहीं ऑप्शन देखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पहले हम सही सॉल्व करेंगे, फिर पता चला तो गलत हो गया, अब गलत हो गया तो फिर ऑप्शन देखो, अच्छा आप पहले से आइडिया रहे कि नहीं ऐसे क्वेश्चंस में यही ऐसा करने है ना, ये डबल होता था, ज्यादा होता था, अच्छा आंसर आप मैच कराते हैं, ये कौन सा तरीका है, इट नॉट गुड, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो फिर मैं आपको बता दूं, जब इक्विलिब्रियम बैलेंस कराएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो हम चलो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं, सबसे पहले सही मेथड, ठीक है, जो बच्चे के दिमाग में आता है, जो ऑलरेडी आपको पता है और हर जगह लिखा भी गया है, और उसके बाद बताते हैं कि क्या इसको आंसर जेई को करना चाहिए। आई थिंक आंसर जेई को ना, पहले आंसर पे कमेंट कर देते हैं, इसका आंसर जेई क्या करना चाहिए, इसका आंसर जेई को करना चाहिए था, पहले एक बार सॉल्व कर लो कि इस मुझे ए और डी में आई थिंक आंसर यही है, यही होना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा कर दिया, तो एक बार मैं कैलकुलेटर चेक करूँ कि ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, बट ए और डी में इसको एक आंसर है, आपका जो भी होगा आप इसको मार्क करिएगा। ठीक है, पहले मैं सॉल्व कर लूँ ताकि उसके बाद मैं आंसर कोट करूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि नीचे कि ऊपर है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रॉपर जो करेक्ट है उसको मैं आपको यूज़ करने जा रहा हूँ। इसमें इस रिंग को, ये रिंग है, इस रिंग को में ये एक्सिस है, अब जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा, करंट लेट मैंने ऐसे मान लिया, ऐसे करंट मान लिया, कोई भी डर से मान सकते हैं, बस करंट का सेंस चेंज करके रोटेशन का सेंस चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर को आएगा। अब टॉर्क इधर आएगा एम क्रॉस बी, तो एम इधर है, बी ऊपर को रहा है, तो एम क्रॉस बी, इधर फिंगर घूमेगा ना ये वैसे ही घूमेगा, तो ये डिस्क अगर ऐसे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो अब मैं इधर से देखूंगा, इधर से देखूंगा तो मुझे ये लाइन की तरह से दिखेगा, एक लाइन की तरह से, क्योंकि प्रोजेक्शन पूरा एक लाइन दिखेगी, तो चलिए इसको मैं बना लेता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये आपका एक्सिस थी और ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है, रिंग है, और इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो रिंग थी घूमती घूम रही थी ऐसे, तो अगर मैं इस रिंग को, वन सेकेंड, ये रिंग है ना, इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, और मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे ऐसे देखूंगा तो ये जो लाइन है, एक लाइन डॉट दिखेगा, डॉट दिखेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट मुझे ऐसे दिखेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट उस लाइन पे परपेंडिकुलर दिखेगा, मैग्नेटिक मोमेंट उस लाइन पे, और एक डॉट दिखेगा ये, और मैग्नेटिक मोमेंट इस पे परपेंडिकुलर दिखेगा ऐसे। मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, जिस एम की वैल्यू होगी कुछ और नहीं, एन आई है, और आई इन टू, और एरिया होगा, इट इज पाई इंच टू आर का स्क्वायर, देखिए एन आई है, तो एन वन आई करेंट पाई आर का स्क्वायर ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर है, तो एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम इधर है, बी इधर, तो एम क्रॉस बी, तो फिंगर इधर घूम रहा, फिंगर ऐसे, तो फिंगर ऐसे घूम रहा, तो रिंग का प्लेन ऐसे घूमेगा, जिधर फिंगर घूमता है ना, रोटेशन उसी सेंस में होता है, तो ये एम क्रॉस बी, तो ऐसे घूमेगा, तो किसी टाइम पे ये थीटा एंगल पे आ जाएगा, तो इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, फिर यही प्लेट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे, और एम आ गया यहाँ पे, दिस इज एम एंड दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड जीरो हो गई, तो लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैं इस लाइन को रिफरेंस की तरह से एज्यूम कर लिया, रिफरेंस की तरह से, तो इनिशियल काइनेटिक जीरो थी, तो इनिशियल काइनेटिक जीरो, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस एम डॉट बी,
माइनस एम डॉट बी, और इनिशियल आई एम ऐसे बी ऐसे, तो एम डॉट बी जीरो बनेगा, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, ग्रेविटेशन अगर ये रिफरेंस लाइन है और ये रेडियस आर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो ये बनेगा पोटेंशियल जी एम जी एच, तो एम जी इज टू आर रिफरेंस लाइन से ऊपर। इस जब इस पोजीशन पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसकी, और इस पोजीशन की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी एम जी इज टू ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस एम जी ब्रैकेट में आर प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आएगा कैपिटल आर में से ये डिस्टेंस कटाएंगे, और ये अगर ये आर है, ये सेंटर ऑफ मास पे ही है, ये दूरी क्या है आर है, तो ये क्या बनेगा आर का कॉस थीटा, तो ये बनेगा आर प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा, तो ये बन गया फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और एच ये पूरी दूरी आर प्लस ये बनेगा आर माइनस आर कॉस थीटा एंड प्लस मैग्नेटिक एनर्जी इट इज माइनस एम डॉट बी। तो माइनस एम, एम क्या है इधर है और बी किधर है ऊपर की ओर, तो बी अगर इधर है और एम इधर है, तो एम डॉट बी आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बनेगा, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधे लिख लेंगे माइनस साइन, वन सेकेंड यहाँ पर लिख लेंगे आप माइनस साइन, तो क्या बन गया माइनस एम की जगह पर आप ये लिख लीजिए आई इज टू पाई आर का स्क्वायर एम इंटू बी इंटू एम डॉट बी था ना, तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो अगर ये थीटा है तो ये क्या बनेगा थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, इससे ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो इसके जगह पे आप साइन डा लिख लीजिए, और बाकी कैलकुलेशन करना बाकी रह गया आपका। अभी देखिए ये जो एम जी आर है ना, इस एम जी आर को कैंसिल कर देगा इसके साथ, फिर बन गया जीरो, एक काम करते ना इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये बन गया क्या आई इज टू पाई आर स्क्वायर बी साइन थीटा बराबर, ये बच गया एक आर एम जी के साथ, तो एम जी इज टू, अच्छा ये स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर ही है, ये कैपिटल आर सब बराबर है, मतलब तो इसके जगह पे ना आप ये कैपिटल आर को स्मॉल आर ही लिख लीजिए, स्मॉल आर वन माइनस कॉस थीटा, अब इसको कैंसिल कर देगा, और इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर दीजिए, तो बनेगा पाई इज टू आर बी टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू बराबर एम जी इंटू, इसको हाफ एंगल ब्रेक करिए तो बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहाँ देखिए टू के टर्म साइन थीटा बाई टू के टर्म इसे कैंसिल कर लिया, अब इसको इधर भेज दीजिए तो बन गया क्या आई पाई आर बी बराबर टेन थीटा बाई टू, और ये जो एम जी यहाँ भेज दीजिए, तो यहाँ से आपको टेन थीटा बाई टू की वैल्यू मिल जाती है आई पाई आर बी अपान एम जी, ये बन जाता है। अब देखिए एक्चुअल आंसर तो ये, बट उन्होंने कहीं भी थीटा बाई टू नहीं लिखा है और ऊपर पाई आर एल बी अपान एम जी लिखा है, तो देखिए पाई आर एल अपान एम जी आई पाई आर बी आई पाई आर जी अपान एम जी, मतलब इसका आंसर एक्चुअल में कहीं भी मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि थीटा बाई टू के टर्म्स कहीं भी नहीं है, मतलब इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है, बट चूंकि जेई ने इस चीज को नहीं लिखा और इवन इरडो ने नहीं लिखा, तो कई बार क्या होता है ना कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की तरफ भागते हैं, तो अगर इन चारों में अगर मुझे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना है, तो फिर मुझे हमें इक्विलिब्रियम वाला ही कंडीशन बनाना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन में जो एंगल आता है ना, इस एंगल जो यहाँ से कैलकुलेट होता है उसका आधा आता है, और वो इसका मतलब जो टेन थीटा आएगा ना, अगर मैं यहाँ पे टॉर्क बैलेंस कर दूँ, मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क और एमजी का टॉर्क बैलेंस कर दूँ, तो आप पाओगे कि टेन थीटा इसके बराबर आ जाएगा। तो अब देखो मतलब ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, बट अगर टॉर्क बैलेंस करते हो ठीक है, तो एम जी यहाँ पे है, तो एम जी का टॉर्क इस वोट क्या आएगा एम जी इज टू आर का साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा बराबर एम क्रॉस बी, तो एम कितना आपका आई पाई आर का स्क्वायर इन टू बी एम क्रॉस बी साइन 90 माइनस थीटा बाई टू, तो क्या थीटा, तो बन जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई इट इज आई पाई आर इन टू बी डिवाइड बाई एम जे। तो ये देख सकते हैं आप कि आपको ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तीसरे ऑप्शन ये। अब क्वेश्चन ये है
कि अब जेई वालों को क्या करना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज दिस। तो अगर किसी बच्चे ने इसको ऑप्शन ए मार्क कर दिया तो जेई वालों को ऐसे आंसर देना चाहिए या तो ऐसे देना चाहिए जेई वाले क्या करेंगे। जेई वाले सत्य का साथ देना चाहिए उनको, सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य। तो जेई वाले क्या करेंगे, वो ऐसे कहेंगे आंसर ए है या बोनस। बोनस इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और सही तरीके से अटेम्प्ट करने के बाद पाया कोई आंसर हमेशा नहीं कर पा रहा, इसलिए उन्होंने माइनस वन लगने से बचाने के लिए अपने आप को मार्क नहीं किया। तो उनकी मेहनत का क्या, उन्हें तो सही सोचा। तो क्वेश्चन का बोनस होना चाहिए। सेकेंड, किसी बच्चे ने ये सोच के आपसे ने मार्क कर दिया कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो उसने इक्विलिब्रियम मान के सॉल्व कर दिया। तो इसका आंसर ऐसा आना चाहिए ए या बोनस। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएंगे तो आंसर इसे, अदरवाइज आंसर विल बी बोनस। ओके, तो आपने देखा कि जेई वाले भी क्वेश्चन को कितना कॉपी करते हैं। ओके, थैंक यू।